Hello students, in the last video we have started with the energy and power signals, okay? And we have studied few basic concepts of energy and power signals in the last video, as well as we have solved some numericals, okay, on that basic concept. Now in this video we will study more concept on energy and power signals, and we will solve more numericals on energy and power signals, okay? So the first numerical, or you can say first concept, is a signal XT is given to you, okay, and XT ki energy aapko given hai E hai, okay. Ek signal XT hai jiski energy aapko given hai ki energy XT ki E hai, okay. Aur aapko bola hai ki X of minus AT plus minus B ki energy kya hogi. ठीक है, ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है. क्लियर है अच्छे से? सपोज करिए इसे मैं E1 मान लेता हूं, ठीक है, तो आपको E1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ E. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. बेसिकली क्वेश्चन है क्या या कांसेप्ट है क्या? कांसेप्ट ये है कि जब भी आप किसी सिग्नल XT में T में जब भी आपको स्केलिंग या शिफ्टिंग करते हैं तो एनर्जी पे क्या चेंज आता है, ठीक है. एनर्जी किस तरीके से चेंज होगी सिग्नल XT की व्हेन वी परफॉर्म शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑपरेशन ऑन टाइम, ओके. क्लियर अच्छे से? तो ध्यान से देखिए, हमें XT की एनर्जी E है, इसका मतलब क्या है? E इज इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x स्क्वायर t dt, ओके. ये हमें गिवन है, ठीक है. इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. क्लियर अच्छे से? नाउ आप देखिए, आपको एनर्जी किसकी निकालनी है? x ऑफ माइनस at प्लस माइनस b की. इसे हमने लिया है e1, तो e1 कितना है आपका? माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x स्क्वायर माइनस at प्लस माइनस b dt, ओके. तो आपको जो एनर्जी e1 निकालनी है वो इन टर्म्स ऑफ e कैलकुलेट करनी है, ओके. तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा e के टर्म्स में लिखने के लिए इस माइनस at प्लस माइनस b को कुछ मान लूं, कुछ नया वेरिएबल ले लूं, ठीक है, तो क्या हो सकता है? आप देखिए, माइनस at प्लस माइनस b को, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहां ले लेता हूं p, ठीक है, न्यू वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है a और b दोनों आपके कांस्टेंट है, स्केलिंग और शिफ्टिंग ऑपरेटर्स हैं, और यू कैन से स्केलिंग और शिफ्टिंग नंबर्स हैं आपके, ठीक है. तो आप देखिए, जब आपने माइनस at प्लस माइनस b को p माना है, ठीक है, तो अब आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करके आपको dt की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो माइनस a dt, b तो कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? जीरो, ठीक है. तो यहां से आपकी dt की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन a dp. क्लियर है अच्छे से? तो हमने यहां पर dt की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब हमें लिमिट्स कैलकुलेट करनी है. t की लिमिट्स क्या-क्या है? माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. तो p की लिमिट क्या हो जाएगी? जब आप t की लिमिट पुट करेंगे माइनस इनफिनिटी, तो देखिए यहां पर माइनस साइन पहले से लगा है, तो p की लिमिट हो जाएगी प्लस इनफिनिटी. जब आप t की लिमिट पुट करेंगे प्लस इनफिनिटी, तो p की लिमिट क्या हो जाएगी? माइनस इनफिनिटी. क्लियर है अच्छे से? तो जो आपकी लिमिट्स होंगी p की, वो हो जाएंगी आपकी लोअर लिमिट यहां पर हो जाएगी आपकी इनफिनिटी, ओके, और अपर लिमिट हो जाएगी माइनस इनफिनिटी. क्लियर है अच्छे से? क्योंकि माइनस साइन आपका सामने लगा हुआ था, तो टी की लिमिट माइनस इनफिनिटी के लिए इनफिनिटी आ गई, और टी की लिमिट इनफिनिटी के लिए आंसर क्या आ गया आपका? माइनस इनफिनिटी आ गया. क्लियर है अच्छे से? नाउ अब आप देखिए, यहां पर अगर हम लोग अब ई1 की वैल्यू निकाल ले यहां पर, तो क्या हो जाएगा? इनफिनिटी to minus infinity x square p dp, okay, पर dt की value minus 1 by a dp थी, तो minus 1 by a को मैं outside लिख देता हूँ integration के. तो यहाँ पर आपका जो e1 है वो कितना हो जाएगा हम लोग का? देखिए आप, हमें पता है जब हम upper limit को lower limit और lower limit को upper limit करते हैं तो minus sign सामने आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? Limits का order change कर देते हैं. तो यहां लिख दीजिए माइनस इनफिनिटी, यहां लिख दीजिए इनफिनिटी, ओके. तो लिमिट्स का ऑर्डर चेंज करने से क्या चेंज आएगा? सामने एक माइनस साइन आ जाएगा, सामने ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 1 / a.
ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 में e की वैल्यू क्या थी, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट x स्क्वायर t dt, ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि जब भी किसी इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज होता है तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब यहां पर अगर मैं t की जगह अगर ऐसे कर दूं x स्क्वायर p dp तब भी आंसर आपका e ही रहने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं 1 by a को कंसीडर ना करूं, सिर्फ इस टर्म को देखूं माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट x स्क्वायर p dp, तो ये क्या है आपका e है, दैट मींस e1 कितना हो जाएगा आपका e अपॉन a, क्लियर है अच्छे से। और आपको एक और पॉइंट दिमाग में रखना होगा कि यहां पर आपने माइनस a लिया था फिर भी आंसर क्या आया प्लस a, ठीक है, मतलब आपका स्केलिंग फैक्टर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो आप चाहें तो सेफ साइड के लिए मॉड ऑफ a आप शो कर सकते हैं, ओके। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखिए b का यहां पर कोई टर्म नहीं आया e1 के आंसर में, दैट मींस जब भी आप शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। एनर्जी में जो चेंजेस दिखेंगे आपको वो सिर्फ स्केलिंग ऑपरेशन के कारण दिखेंगे, शिफ्टिंग डस नॉट अफेक्ट द एनर्जी, ओके। तो एनर्जी हो जाएगी आपकी e अपॉन मॉड ऑफ a, e अपॉन स्केलिंग फैक्टर, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जनरेट की है कि स्केलिंग और शिफ्टिंग का एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, ओके। नाउ एक और एग्जांपल आप देखिए ध्यान से, सपोज करिए आपको फिर से xt की एनर्जी जो है वो आपको गिवन है e, ओके। नाउ आपसे बोला है कि a xt की एनर्जी क्या होगी, ओके। तो इसे मैं फिर से यहां पर e1 मान लेता हूं और आपको ये e1 ही कैलकुलेट करना है, क्लियर है अच्छे से। a xt की एनर्जी वेयर कैपिटल a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो यहां पर आप देखिए हमें e की वैल्यू गिवन है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x स्क्वायर t dt, ओके। और e1 हमें पता है क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट a स्क्वायर x स्क्वायर t dt, ठीक है ना, एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, जो भी सिग्नल की एनर्जी निकालनी है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आप देखिए a स्क्वायर आपका आउटसाइड हो जाएगा, तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स स्क्वायर टी डी टी, और हमें पता है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टी डी टी क्या है, ई है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई, क्लियर है अच्छे से। तो मीन्स अगर एक्स टी में किसी एम्पलीट्यूड से किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टी की एनर्जी अगर पहले ई थी तो मल्टीप्लाई करने के बाद xt की एनर्जी हो जाएगी कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू e, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो ये भी एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है जिसे आपको दिमाग में रखना होगा, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट आप देखिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको xt की एनर्जी जो है वो वापस से दी हुई है e, ओके, और आपको बोला है a प्लस xt की एनर्जी आप कैलकुलेट करिए, ओके। तो हमें यहां पर फिर से पता है कि xt की एनर्जी e है और हमें बोला गया है a प्लस xt की एनर्जी जिसे हम यहां पर e1 मान रहे हैं, तो हमें e1 यहां पर कैलकुलेशन करना होगा, ओके। और यहां पर एक और पॉइंट दिमाग में रखना है, a कैपिटल a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू dc वैल्यू, ओके। अब आप ध्यान से समझिए, यहां पर xt की एनर्जी e गिवन है, ठीक है, तो a प्लस xt में भी xt का टर्म आ रहा है लेकिन यहां पर एक a टर्म भी आ रहा है, तो a क्या होता है, a इज अ dc सिग्नल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल कराया था और एक कंक्लूजन भी लिखाया था कि एडिशन ऑफ पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल इज ऑलवेज अ पावर सिग्नल। तो अब आप देखिए यहां पर xt तो एनर्जी सिग्नल है तभी तो उसकी एनर्जी e है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, और a जो होता है A is a DC signal. DC means जिसकी वैल्यू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक कांस्टेंट होती है, और हमने पढ़ा था ऐसे सिग्नल पावर सिग्नल होते हैं, तो इसका मतलब A जो है वो आपका पावर सिग्नल है, XT जो है वो आपका एनर्जी सिग्नल है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पावर सिग्नल मिलेगा, क्लियर है अच्छे से। और पावर सिग्नल के केस में
अगर कोई सिग्नल पावर सिग्नल है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की हुई है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे थे स्टार्टिंग में एनर्जी और पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वहां पर जो सिग्नल पावर सिग्नल था उसकी एनर्जी आई थी इन्फिनिटी। ओके, तो E1 यहां पर आ जाएगा आपका डायरेक्टली इन्फिनिटी, मतलब आपको यहां पर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ दो कंसेप्ट याद रखने थे। पहला कंसेप्ट, एडिशन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल इज ऑलवेज अ पावर सिग्नल एंड एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज ऑलवेज अ इन्फिनिटी। ओके, तो ये लास्ट के 3 एग्जाम्पल से हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब मैं यहां पर थोड़े से वैल्यू वाले न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूं, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उसमें आपको एक ट्रायंगुलर पल्स गिवन है, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स। ओके, तो टी एक्स टी, ओके, और ये आपकी ट्रायंगुलर पल्स आपको गिवन है। मैं रेंज ले रहा हूं इसकी -3 से +3, ओके, एंड इसका एम्पलीट्यूड जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है वो मैं ले रहा हूं यहां पर 12, क्लियर है अच्छे से। अब आपको बोला है डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ वाई टी विच इज डी बाय डी टी एक्स टी। ओके, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना, बट आपको चेक करके देखना है कि जो yt बनेगा क्या वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है कि नहीं है। हो सकता है एक ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस भी हो, ठीक है ना, तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना होगा, क्लियर है अच्छे से। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर कि yt है क्या, yt किस तरीके से हम बनाएंगे। yt बना लेने के लिए सबसे पहले हमें xt की स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले xt को रिप्रेजेंट करना होगा, क्लियर है अच्छे से। तो xt को आप रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहां पर इसकी स्लोप क्या होगी, -3, 0 एक पॉइंट हो जाएगा आपका और एक पॉइंट हो जाएगा 0, 12। तो स्लोप क्या होती है, y2 - y1 / x2 - x1, मतलब 12/3 कितनी हो जाएगी स्लोप, 4, और सिमेट्रिकल है तो ये स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, -4। अब अगर मैं xt को रिप्रेजेंट कर दूं, जिसे हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है ना, जब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सिग्नल स्टडी करवाया था कि आपको ट्रायंगुलर पल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आप देखिए, हम यहां पर रैंप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है, -3, स्लोप क्या है, 4, तो 4RT+3। ओके, नाउ स्लोप अब आपकी चेंज कहां हो रही है, t=0 पर, 4 से क्या हो रही है, -4, तो क्या करना पड़ेगा हमें, -8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, किस पॉइंट पर, t=0 पर, दैट मींस RT। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपकी स्लोप चेंज हो रही है t=3 पर, ठीक है, पहले -4 थी, अब क्या हो रही है आपकी 0, दैट मींस आपको +4 करना पड़ेगा, RT-3, क्लियर है अच्छे से। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन xt का। अब हमें पता है कि हमें डेरिवेटिव लेना है xt का, दैट इज yt, तो yt क्या हो जाएगा आपका, हमें पता है रैम का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, स्टेप होता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जहां जहां आपको r दिख रहा है वहां वहां आपको u लेना है, तो 4UT+3 - 8UT + 4UT - 3। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब अगर मैं yt को ड्रॉ कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि yt जो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं। अगर yt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है तो एनर्जी आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल हो जाएगा, अदरवाइज एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी हो जाएगी। हमें पता है कि जो सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं होता वो या तो पावर सिग्नल होता है, पावर सिग्नल की एनर्जी भी इन्फिनिटी होती है, या तो वो नाइदर एनर्जी नॉर सिग्नल होता है और उसकी एनर्जी भी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ओके, तो देखिए अब yt को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये बेसिक्स भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि स्टेप फंक्शंस के टर्म में अगर कोई इक्वेशन हो तो उसे किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, -3, आप देखिए इस पे एम्पलीट्यूड कितना है आपका, 4, ठीक है,
हमें याद होना चाहिए कि स्टेप मतलब एम्पलीट्यूड, रैंप मतलब स्लोप, ओके। नाउ देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, जीरो, टी इक्वल टू जीरो, यूटी है ना, क्या ऐड हो रहा है, माइनस एट, तो अभी आप फोर पर हैं, ठीक है, फोर पर हैं, आप चलते जाइए, जैसे ही आप टी इक्वल टू जीरो पर पहुंचेंगे, आप देखिए यहां पर आप ऐड कर रहे हैं माइनस एट, दैट मीन्स आप फोर से कहां पहुंच जाएंगे, माइनस फोर पर पहुंच जाएंगे, क्लियर है अच्छे से, फोर माइनस फोर, ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से, जब आप फोर में से माइनस ऑफ माइनस फोर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, एट आ जाएगा, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब आप फोर माइनस एट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टी इक्वल टू थ्री, उसमें आप प्लस फोर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू थ्री पे माइनस फोर प्लस फोर, जीरो पर चले जाएंगे आप, ठीक है, ये हो गया टी इक्वल टू थ्री पर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका सिग्नल जो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, दैट मीन्स आपका सिग्नल जो है वो t टेंस टू इन्फिनिटी एंड t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दोनों में ही क्या है आपका, जीरो है, क्लियर है अच्छे से। नाउ अगर आपको इसकी एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगी एनर्जी आपकी, e ऑफ y, ठीक है, देखिए कितना आंसर हो जाएगा आपका, आप ब्रेक कर सकते हैं लिमिट को, माइनस थ्री से जीरो में एम्पलीट्यूड कितना है, फोर, तो फोर का स्क्वायर डी टी, हमें पता है ना एक्स स्क्वायर टी करना होता है या वाई स्क्वायर टी करना होता है एनर्जी के लिए, सेम जीरो टू थ्री माइनस फोर का स्क्वायर डी टी, क्लियर है अच्छे से। तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट, सेम यहां पर भी माइनस फोर का स्क्वायर, दैट मीन्स सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट, 96 जूल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो y की एनर्जी आ रही है आपकी 96 जूल। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिला है आपको, आप चाहें तो देख सकते हैं, जो आपने लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था इवन एंड ऑड सिग्नल्स का, उसमें देखिए आपने पढ़ा था इवन सिग्नल का डिफरेंशिएशन हमेशा ऑड सिग्नल होता है, तो देखिए xt आपका इवन सिग्नल था, सिमेट्रिकल था वाई एक्सिस के, और आप देखिए यहां पर जो yt आपको मिला है आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ xt, ये ऑड सिग्नल है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं अब एनर्जी और पावर सिग्नल में, वो है आपका डिस्क्रीट के बेस पर, ओके। तो एक मैं यहां पर आपके लिए डिस्क्रीट सिग्नल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, यूएन, ओके, और यहां पर आपको यूएन के लिए एनर्जी या पावर कैलकुलेट करना है। आपको सबसे पहले खुद से आइडेंटिफाई करना है कि जो यूएन है वो एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, एंड देन आपको एनर्जी या पावर कैलकुलेट करना है, ओके, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर देखिए आप n टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एम्पलीट्यूड कितना है यूएन का, वन है, ठीक है ना, जीरो से इन्फिनाइट तक यूएन का एम्पलीट्यूड वन ही है, तो इन्फिनिटी पर भी वन ही होगा। n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर यूएन का एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है, दैट मीन्स नेगेटिव साइड यूएन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमें पता है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि जो यूएन है वो आपका बाउंडेड सिग्नल है, ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। जब भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू फाइनाइट हो तो सिग्नल क्या होता है आपका, बाउंडेड सिग्नल। तो बाउंडेड सिग्नल के लिए हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर, तो आप यहां से निकाल सकते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, वन अपॉन टू एन प्लस वन, ओके, और क्या होता है आपका, सिग्मा एन की वैल्यू माइनस एन से प्लस एन एक्स स्क्वायर एन, ओके। तो यहां पर देखिए आप लिमिट एन टेंस टू जब इन्फिनिटी करेंगे, वन अपॉन टू एन प्लस वन कर लेंगे, उसके बाद लिमिट को देखिए, लिमिट में किस तरीके से चेंज होगा, देखिए यहां पर सिग्नल आपका यूएन है, और यूएन हम जानते हैं नेगेटिव साइड क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर आपको n की वैल्यू या n की लिमिट कहां से शुरू होगी, जीरो से, जीरो टू n, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका un, और अंदर क्या हो जाएगा, जब आपने जीरो टू n पुट कर दिया है तो देखिए जीरो टू n के बीच में या पॉजिटिव साइड में un हर एक सैंपल में या un का हर एक सैंपल का एम्पलीट्यूड कितना है आपका, वन है, तो वन का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आपका, वन ही हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, वन, क्लियर है अच्छे से। अब आप देखिए यहां पर
अगर मैं इस समेशन को सॉल्व करूं तो 1 आपका कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स की n प्लस 1 टाइम्स। आप समझिए यहां पर ध्यान से, आपकी लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट है, 0 टू n, ठीक है। सपोज करिए कैपिटल n की वैल्यू आपकी 6 है, तो आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 0 टू 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं 0 टू 6 तक। दैट मींस 0 से स्टार्ट होने के कारण आप कितने टाइम्स ऐड करते हैं, n प्लस 1 टाइम्स, ओके। तो n प्लस 1 हो जाएगा आपका एडिशन का आंसर, डिवाइडेड बाय क्या है आपका 2n प्लस 1, ओके। क्लियर है अच्छे से, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करना है, हमें पता है कि हम n टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n n कॉमन लेना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, ओके। तो आप देखिए जब आप न्यूमरेटर से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, 1 प्लस 1 बाई n, और डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1 बाई n, n और n आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2 बाई इन्फिनिटी 0, तो क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, तो आंसर क्या आ गया, 1 बाय 2। क्लियर है अच्छे से, तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिसमें हम लोग अभी वीडियो में सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, ओके। उसके बाद का काम, दैट इज एनर्जी या पावर निकालने का काम आपका होगा, आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट पे बनेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ओके। तो इसकी आप एनर्जी या पावर की वैल्यू निकालेंगे और उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे आंसर को, ओके। तो आप देखिए यहां पर ये सिग्नल एनर्जी है कि पावर है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हम यहां पर n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो एक्शन क्या हो रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी पर, 1 बाय 6 की पावर इन्फिनिटी। कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए अगर आप n की वैल्यू को लगातार बढ़ाते चलिए, n की वैल्यू 0 पर, मैं यहां पर सिग्नल आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूं, ठीक है। n की वैल्यू 0 पर क्या हो जाएगा आपका, 1, ओके। n की वैल्यू 1 पर क्या हो जाएगा, 1 बाय 6। n की वैल्यू 2 पर क्या हो जाएगा, 1 बाय 36, ओके, 1 बाय 6 का स्क्वायर। n की वैल्यू 3 पर क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 6 का क्यूब, मींस 1 अपॉन 216। देखिए सिग्नल लगातार आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या चला जाएगा, ये 0। क्लियर है अच्छे से, और नेगेटिव साइड आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि un से मल्टीप्लाइड है, तो n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर भी क्या होगा, सिग्नल आपका 0 ही होगा। दैट मींस ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है आपका, एनर्जी सिग्नल है। क्लियर है अच्छे से, दिस एक्शन इज एनर्जी सिग्नल। तो आपके लिए अब होमवर्क है कि आपको इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है और कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट करना है। क्लियर है अच्छे से, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्क्रीट पर लेने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक आपको एक्शन गिवन है, ओके, और एक्शन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, 1 प्लस 2j, ओके, 1 माइनस 3j, देन माइनस 3 पे एरो है आपका, देन 1 प्लस j, ओके, ये आपको सिग्नल गिवन है xn, और आपको क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ e1 कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ xn, मतलब आपको x ऑफ ECN की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ E1 कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ XN, मतलब सबसे पहले हमें E1 कॉन्जुगेट पार्ट निकालना होगा जो कि हमने लास्ट क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था, उसके बाद हमें उस E1 कॉन्जुगेट पार्ट की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है यहां पर, ओके। तो E1 कॉन्जुगेट पार्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, E1 कॉन्जुगेट पार्ट का हमारा फॉर्मूला होता है XN प्लस x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस n डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो सबसे पहले हम E1 कॉन्जुगेट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए XN हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना होगा, x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस n,
तो मैं अगर सबसे पहले x ऑफ कॉन्जुगेट n कैलकुलेट करूं यहां पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2j, 1 प्लस 3j, माइनस 3, 1 माइनस j, ओके? हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ j की जगह माइनस j पुट कर दिया, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा यहां पर, x ऑफ कॉन्जुगेट n। अब अगर मैं यहां पर x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस n कैलकुलेट करूं, तो आप देखिए हमें पता है जब भी n की जगह माइनस n करते हैं आपका जो भी सिग्नल है वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पलटी खा जाता है, ठीक है ना। और यहां पर आप सिंपल देखें तो एरो के रेस्पेक्ट में पलटी खा जाएगा, मतलब 1 माइनस j वाला टर्म जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, और 1 माइनस 2j एंड 1 प्लस 3j वाले टर्म जो आपके लेफ्ट साइड है वो आपके राइट साइड आ जाएंगे। क्लियर है अच्छे से? तो आप देख लीजिए यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका माइनस 3 जिस पे आपका एरो होगा, ठीक है। राइट साइड कौन कौन से टर्म आ जाएंगे, 1 प्लस 3j एंड 1 माइनस 2j, ओके। और लेफ्ट साइड कौन सा टर्म आ जाएगा आपका, 1 माइनस j। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका आ गया 1 माइनस j, ठीक है। अब हमें करना क्या है, xn प्लस x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस n, सबसे पहले यही परफॉर्म करते हैं हम, और डिवाइड बाय क्या करना है, फिर 2। तो हम xn को दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर xn क्या है आपका, देखिए xn है 1 प्लस 2j 1 माइनस 3j, ओके, 1 प्लस 2j 1 माइनस 3j, देन माइनस 3 पर एरो, एंड लास्ट क्या है आपका, 1 प्लस j, ओके। तो अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो एडिशन बहुत इजी है, आपको सैंपल बाय सैंपल एडिशन करना है। तो देखिए xn में n की वैल्यू माइनस 2, देखिए यहां पर क्या है, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू माइनस 1, n की वैल्यू माइनस 2। यहां पर क्या है, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 एंड n की वैल्यू माइनस 1, ओके। तो देखिए xn में n की वैल्यू माइनस 2 पर एक सैंपल है, एक आपका एम्पलीट्यूड अवेलेबल है, जबकि x ऑफ कॉन्जुगेट माइनस n में माइनस 2 पर क्या है, 0 है। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2j प्लस 0 बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय 2 प्लस j, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 भी करना है। नाउ नेक्स्ट कितना है आपका, माइनस 1 पर, दोनों में प्रेजेंट है, तो 1 प्लस 1 2, माइनस j माइनस 3j माइनस 4j, तो 2 माइनस 4j डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस 2j, ओके। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट देखिए, माइनस 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा ऐड करने पे, माइनस 6, माइनस 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 3, देन n की वैल्यू 1 पर देखिए, 2 प्लस 4j डिवाइड बाय 2, दैट मींस 1 प्लस 2j, ओके। नाउ n की वैल्यू 2 पर देखिए, xn में n की वैल्यू 2 पर कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 माइनस 2j डिवाइड बाय 2, दैट मींस 1 बाय 2 माइनस j, ओके। क्लियर है अच्छे से? और माइनस 3 पर आपका क्या आ जाएगा, वापस से एरो, ठीक है। तो अब आप देखिए आपका x ऑफ ECN भी यहां पर कैलकुलेट हो गया, अब आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना, x ऑफ ECN की। तो एनर्जी हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला आपका समेशन n की वैल्यू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x n का मॉड देन स्क्वायर। मॉड क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि यहां पर आपका जो सिग्नल है जिसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है वो आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। आपको देखिए रियल टर्म भी दिख रहे हैं, इमेजिनरी टर्म भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपकी एक्चुअल में लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए सिग्नल आपका कहां से कहां तक फैला है, n की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2, तो n की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2 हो जाएगी, मॉड ऑफ xn का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले n की वैल्यू माइनस 2 पर मॉड xn का स्क्वायर करना है, प्लस n की वैल्यू माइनस 1 पर मॉड xn का स्क्वायर करना है, फिर n की वैल्यू 0 पर, फिर n की वैल्यू 1 पर, फिर n की वैल्यू 2 पर। ध्यान ये रखना है कि यहां पर xn जो है वो x ऑफ ECN है ना, ठीक है ना, हम फॉर्मूले में स्टैंडर्ड xn लिखते हैं, लेकिन हमें यहां पर x ऑफ ECN की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए यहां पर जो एनर्जी आपकी हो जाएगी
सबसे पहले आपको n की वैल्यू -2 पर जो टर्म दिख रहा है उसका मॉड लेके होल स्क्वायर करना है. तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. लेकिन जब आप मॉड का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस आपको करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो जो एनर्जी है आपकी वो कितनी हो जाएगी, आपकी देख लीजिए यहां से 1/4 a स्क्वायर और j कितना है आपका, j है आपका 1, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 1. ओके नाउ अब आपको सेम काम करना है n इक्वल टू -1 के लिए और ऐड कर देना है प्रीवियस वालों के साथ. तो क्या हो जाएगा फिर से 1 प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो प्लस 1 प्लस 4 प्लस सेम काम करना है आपको n इक्वल टू 0 के लिए, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस सेम काम करना है n इक्वल टू 1 के लिए, तो a का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर 4, दैट मींस अगेन 1 प्लस 4 प्लस सेम काम करना है n इक्वल टू 2 के लिए, तो 1/4 प्लस 1. ओके तो ये आपकी आ गई एनर्जी. इन सब को आप ऐड कर लीजिए, आपको एनर्जी का आंसर यहां पर मिल जाएगा. क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी या पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर मैं अब लास्ट में एक दो क्वेश्चन कंटिन्यूअस के और ले रहा हूं और इस टॉपिक को फिर हम कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर है? नाउ तो कंटिन्यूअस में एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं. यहां पर देखिए आपको सिग्नल दिया हुआ है एक्स टी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस 3 माइनस डेल्टा टी माइनस 2. ओके ये आपको सिग्नल दिया हुआ है एक्स टी, ठीक है, और आपको बोला है डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ वाई टी विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी. क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आपको वाई टी की एनर्जी कैलकुलेट करनी है. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है. तो आप देखिए हमें पता है कि डेल्टा का जो इंटीग्रेशन होता है वो स्टेप होता है, तो एक्स टी अगर डेल्टा के फॉर्म में दिया है तो वाई टी आपका स्टेप के फॉर्म में आ जाएगा, यू टी प्लस 3 माइनस यू टी माइनस 2. क्लियर है अच्छे से? नाउ अब आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टाइम की पहली वैल्यू क्या है, -3. तो आप वाई टी को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए. ड्रॉ हमेशा करिए, ड्रॉ करने से आपको सिग्नल का शेप पता चल जाएगा और एनर्जी डायरेक्ट पता चल जाएगी आपको, ठीक है ना. तो ड्रॉ हमेशा करिए. तो -3 वाला जो पॉइंट है उस पे एम्पलीट्यूड है आपका 1. ओके नाउ जो आपका 2 टी इक्वल टू 2 है उस पे एम्पलीट्यूड है -1. तो आप चलते चलिए टी इक्वल टू 2 तक, ठीक है. अब देखिए टी इक्वल टू 2 पर -1 है, अभी आप 1 पे है और आपको -1 पे जाना है, दैट मींस कहां चले जाएंगे आप, 0 पर. तो ये एम्पलीट्यूड कितना है आपका, 1 है. तो अब आपको एनर्जी निकालना बहुत इजी है, आप देख सकते हैं कितनी हो जाएगी ई वाई की वैल्यू, लिमिट क्या है -3 से लेकर 2 तक. ओके और वाई स्क्वायर टी मतलब 1 का स्क्वायर डी टी. ओके तो अब आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो डी टी सिर्फ बचेगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 5, तो 5 जूल ये हो गई आपकी एनर्जी की वैल्यू. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसलिए कराया है कि ये समझाने के लिए कि जब भी एनर्जी या पावर का क्वेश्चन आए तो आप सिग्नल को ड्रॉ करने की कोशिश करिए, उससे आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा. क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और छोटा सा कंसेप्ट या छोटा सा एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं यहां पर. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए और ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है. इसमें आपको सिग्नल एक्स टी गिवन है जो कि नाइदर इवन सिग्नल है नॉर ऑड सिग्नल है. ओके मैं रियल ले रहा हूं एक्स टी को, तो इवन सिग्नल या ऑड सिग्नल की बात कर रहा हूं, ठीक है. तो एक्स टी जो है नाइदर इवन है नॉर ऑड है, तो आपको बताना है कि एनर्जी ऑफ एक्स टी का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है. तो अगर मैं एनर्जी निकालूं इसकी एक्स टी की, तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स स्क्वायर टी डी टी हो जाएगी आपकी एनर्जी, तो कितना हो जाएगा ई एक्स आपका, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स ऑफ ई वन स्क्वायर टी डी टी प्लस एक्स ऑफ
odd square t dt plus 2 x of even t into x of odd t, okay, dt. Clear है अच्छे से? तो ये आपकी value आ जाएगी. अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए. देखिए, हमने last video में study किया हुआ है कि even into even क्या होता है? Even, तो ये x e square t पूरा even हो जाएगा. Odd into odd क्या होता है? Even, तो ये पूरा term भी क्या हो जाएगा आपका? Even. But even into odd हमने क्या study किया है? क्या होता है आपका? Odd. ठीक है ना? और odd का area हमने क्या study किया है? Zero. तो ये पूरा का पूरा term क्या हो जाएगा आपका? Zero. Because area of odd signal is always zero. Okay? तो जो आपका EX है, वो actual में आपका क्या आ रहा है? Energy in even part plus energy in odd part only. ठीक है ना? तो ये भी आपके लिए काफी important concept है. देख लीजिए. अगर आप x of et की सिर्फ एनर्जी निकालते, सिर्फ x of et की, तो फॉर्मूला क्या लिखते? यही लिखते, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट x e स्क्वायर t dt. या अगर सिर्फ x of ot की एनर्जी निकालते, तो फॉर्मूला सिर्फ यही लिखते, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट x of o स्क्वायर t dt. ठीक है? तो यहां पर जो एनर्जी आई है आपकी टोटल, वो देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इवन पार्ट और ऑड पार्ट की एनर्जी होगी. ठीक है? आपको 2ab वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑड सिग्नल बन जाएगा और ऑड सिग्नल का एरिया क्या होता है आपका? जीरो होता है. क्लियर अच्छे से? तो ये आपका एनर्जी एंड पावर का टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है. आपको अपने आप से और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहनी है, लेकिन अगर आपको इस पूरे कांसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है उसे भी आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करिएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल. थैंक यू.